हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स पर, जिसमें हमने हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनका यूज कहाँ करना है, कहाँ इनका यूज होता है, कौन से कंडीशन होती है जिनके लिए इनका यूज किया जाता है, वो हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने हमारी पिछली वीडियो में हु का यूज, व्हाट का, वेयर एंड व्हेन का यूज देखा था। हु मीन्स होता है कौन, व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हेन का मीन्स होता है कब, इसका हमने देख लिया था। आज हम हमारी वीडियो में पढ़ रहे हैं वाई का यूज कब किया जाता है और हाउ का यूज कब किया जाता है। हमें वाई का यूज कब करना होता है, वाई का मीन्स होता है क्यों, टू गिव एनी रीजन, किसी भी रीजन को बताने के लिए वाई का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वाई डू यू गो टू द मार्केट, इसमें मार्केट जाने का रीजन पूछा है ना, फॉर शॉपिंग, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि शॉपिंग करने के लिए। यानी किसी भी चीज का अगर कोई रीजन पूछा जाता है तो हम किसका यूज करेंगे, वाई का। नेक्स्ट देखो, वाई डू यू स्टैंड हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बिकॉज माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे से मिलने आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉर, बिकॉज, ये जब वाई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइम हम फॉर, बिकॉज, सो दैट इनका यूज करते हैं। जब भी किसी चीज का रीजन मांगा जाता है तो हम यूज किसका करना है, वाई का। नेक्स्ट देखो, हाउ का यूज कब करना है, हाउ मीन्स होता है कैसे, जब कोई मैनर हो, कोई कंडीशन हो या फिर कोई वे, इनके बारे में अगर पूछा जाता है तो हम यूज करेंगे हाउ का। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, वे पूछा ना, किसके थ्रू जाते हो, चलकर जाते हो, बस से जाते हो, कार से जाते हो, तो इसमें क्या आएगा, बाय बस, ठीक है, बाय किसके थ्रू, बस के थ्रू जाते हैं, तो यानी इसका वे है। नेक्स्ट देखो, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, तुम अब कैसा फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग वेल और गुड, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कंडीशन के बारे में कि आप कैसा फील कर रहे हो फिलहाल। तो जब भी हमें इन चीजों के लिए पूछा जाए तो हम यूज करेंगे हाउ का। और कल हमने जब देखा था हु के लिए, जब किसी पर्सन की बात हो तो यूज करेंगे हु का, व्हाट, जब थिंग या ऑब्जेक्ट की बात हो तो यूज किया जाता है व्हाट का, देन नेक्स्ट था प्लेस की बात हो तो यूज करेंगे वेयर का, देन टाइम की बात हो तब यूज करते हैं व्हेन का। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब का यूज देख लिए, ठीक है, थैंक यू।